गुड इवनिंग बेटा, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, ये फ्रैक्शन एंड डेसिमल कोई नया चैप्टर नहीं है, ये ऑलरेडी आप क्लास 6 एंड 5 में आपने डेसिमल भी पढ़ा और फ्रैक्शन भी पढ़ा है ना। हम आपको जस्ट पहले आपको रिवाइज कराते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है बेटा, एक है फ्रैक्शन और दूसरा है डेसिमल। अभी मैं जो फोकस कर रहा हूँ सबसे पहले वो किसको फोकस करूंगा, फ्रैक्शन को, देन डेसिमल। ठीक रहेगा ना? हाँ, तो मैं इसमें क्या क्या पढ़ाता हूँ पहले ये, देन आपको अब बताता हूँ कि फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल क्या होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है ना बेटा, एंड डेसिमल, एंड डेसिमल, दिस इज द फर्स्ट। एंड बेटा हम आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि आप जो क्लास 6 में पढ़े, 6 में या 5 में आपने पढ़ रखा होगा कि दो फ्रैक्शन का ऐड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं। सीखेंगे नहीं आप लोग? 5 में भी सीखा होगा, 6 में भी सीखा होगा कि फ्रैक्शन नंबर का एडिशन, सबट्रैक्शन या डेसिमल डेसिमल का सबट्रैक्शन एडिशन कैसे करते हैं। तो जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके वो हम नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जो 5th और 6th में सिर्फ प्लस और माइनस करना सीखा, प्लस करना और किसका, फ्रैक्शन का और डेसिमल का। अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल एंड डिवीजन। चार ही तो चीजें होती हैं, प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन। तो प्लस माइनस हमने ऑलरेडी 5th एंड 6th में पढ़ रखा है, तो अब क्या पढ़ेंगे कि मल्टीपल कैसे करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन, सेकंड इज अ मल्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, किस किस का मल्टीप्लिकेशन, इधर देखें, मल्टीप्लिकेशन फॉर फ्रैक्शन, फॉर फ्रैक्शंस, किसके लिए मल्टी, फ्रैक्शन के लिए। देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, या मैं ऐसे बता, मल्टीप्लिकेशन ऐसे चार्ट बनाता हूं, दोनों एक साथ हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर फ्रैक्शन, फॉर फ्रैक्शन, या लिखिए फ्रैक्शन, एंड इस तरफ लिखें डेसिमल। ठीक है बेटा, अच्छा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों लिख दे, एक साथ हो जाए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये अगला टॉपिक लिखना पड़ेगा मेरे को डिवीजन, तो आप इसी के, दिस इज 2 का, दिस इज ए एंड दिस इज बी, 2b, कोई दिक्कत, ये पार्ट कौन सा है 2a और ये 2b। ठीक है, फ्रैक्शन में आप क्या करेंगे, आपने एड और माइनस करना तो ऑलरेडी सीखा, इसमें आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मैं अभी जो सिर्फ बता रहा हूं आपको, पहले मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बता दे रहा हूं, बाद में डिवीजन लिख दूंगा तो आपको आसान, मल्टीप्लिकेशन। तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर, फ्रैक्शन बाय होल, होल नंबर जानते हैं, 1 2 3 4 0, 0 इज द होल ऑफ नॉट, अब किसका मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को मैं क्रॉस लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, ऑफ अ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन, कोई दिक्कत, आप किसका मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं, फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन इनटू होल नंबर। ठीक है, इसी में आप क्या सीखेंगे, डिवीजन, डिवीजन ऑफ होल नंबर, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन में क्या सीखेंगे, फ्रैक्शन अपॉन होल नंबर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या सीखेंगे, होल नंबर का फ्रैक्शन से डिवीजन, और अगला क्या सीखेंगे, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से डिवीजन। ठीक है ना? ठीक है, अगर आप इतना सीख गए कैसे फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं,
कैसे फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से मल्टीपल करते हैं, कैसा फ्रैक्शन का डिवीजन फ्रैक्शन से करते हैं, कैसे फ्रैक्शन का डिवीजन होल नंबर से करते हैं, या होल नंबर का डिवीजन कैसे फ्रैक्शन, तो आपकी कहानी खत्म हो गई। सेम टू सेम ये डिवीजन में करना पड़ेगा, सेम टू सेम ये डिवीजन में, ठीक है, सॉरी डेसिमल। तो डेसिमल में भी क्या सीखेंगे आप, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्या क्या मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, इधर देखें, इसका ए पार्ट, इसका ए पार्ट क्या सीखेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन में, सॉरी ये आप सीखेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन में, डेसिमल, डेसिमल इंटू होल नंबर, इंटू होल नंबर, अगला डेसिमल का किससे मल्टीपल होगा, डेसिमल से, अगला बेटा क्या होगा, ये दो चीजें हो गए, हो जाएगा, अब आप इसका डिवीजन सीखेंगे, डेसिमल का डेसिमल से, डेसिमल का और होल नंबर का डेसिमल, कोई दिक्कत बेटा, यही सब सीखना है बस, इतना चीजें सीख जाएंगे खत्म। तो हम आपको जो पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन किसका, फ्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं सेकंड पार्ट कवर करूंगा। पहले मैं कौन सा पार्ट कवर करूंगा, सिर्फ सब फ्रैक्शन के लिए, जो फ्रैक्शन के लिए वैलिड होगा वही सेम टू सेम डेसिमल के लिए वैलिड होगा, समझ आया। तो मैं सबसे पहले क्या आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ फ्रैक्शन से, कि आपने क्या पढ़ा, क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ और कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, और फिर इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो इधर देखें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन बेटा, इंट्रोडक्शन देखिए आप, फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है, अरे कुछ भी, मतलब पी एफ वन की तो वो आप पढ़ रखे होंगे इसलिए आपने बोला फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो होल नंबर क्या होता है, सपोज ये मार्कर, सपोज ये मेरा मार्कर, ये टोटल वन है ना, या अब मैं ले लिया दो मार्कर, कितने हैं, होल टू मार्कर, अब मैं एक मार्कर को अपनी जेब में रख दिया, अब मेरे पास कितना मार्कर बचा, टोटल मेरे पास कितना था, और बचा कितना, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, वन बाई टू, टोटल दो, आउट ऑफ टू में बचा कितना, तो वन, वन मार्कर, वन पेन अपॉन टू पेन, ये लिख सकता है, टोटल मेरे पास दो पेन, टोटल मेरे पास एक पेन मैंने अपनी जेब में डाल दिया, अब कितना बचा, और मैं आपसे पूछूं मेरे पास कितना पेन है, है तो दोनों एक जेब में, तो वन बाई मेरे हाथ में है और एक मेरी जेब में, मेरे हाथ में वन बाई आउट ऑफ टोटल, सर आपके पास टोटल दो है और आपके पास जो हाथ में वो वन बाई टू, ठीक है, अगर इस वन बाई टू का टोटल पेन में मल्टीपल करेंगे टू पेन, तो आंसर कितना आएगा, टू से टू वन पेन आ गया, आ गया ना वन पेन, समझ आ गया, तो फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होता है, चीजें आ गई, सपोज आप क्या खाए एप्पल, सपोज आप क्या खाए एप्पल, ठीक है ना, और आपने एप्पल खाया और आपको आपके दो भाई हैं, आप और आपका एक छोटा भाई, आप और आपका, और आपके आपके घर में सिर्फ एक ही एप्पल है, सिर्फ कितना एप्पल है, एक, और आपकी मम्मी को क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, करना और दोनों लोगों में करना, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसको आधा कर देंगे, ये वाला जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन मेरे मतलब रमन को दे देंगे, रमन और ये चंदन को दे दिया, और टोटल कितना, एक एप्पल, तो इसको ये पार्ट कितना होगा, वन बाई टू, और ये भी कितना होगा, वन बाई टू, ये वन बाई टू क्यों होगा, दो पार्ट है, एक पार्ट रमन ने दिया, तो वन बाई, अब जब दोनों को ऐड करेगा तो वन बाई टू एप्पल प्लस वन बाई टू दिस एप्पल, वन बाई टू एप्पल प्लस वन बाई टू एप्पल इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन एप्पल, समझ आया, तो ये वन बाई टू क्या फ्रैक्शन, ये वन बाई टू क्या फ्रैक्शन। अब कोई मेरे से बोल सकता है
कि सर उल्टा हो जाए ऐसे 2/1, इसको आप फ्रैक्शन बोल सकता है क्या? अब बोल सकता है कि नहीं, मुंह में बताने वाला है। अब किसी बंदे के पास ऐसा भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर आपने 1/2 लिखा, अगर 2/1 हो जाए तब क्या, तब क्या होगा? ठीक है, तब मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, तब क्या होगा, ठीक रहेगा ना? तो अभी आप फ्रैक्शन चीजें समझ गए, मतलब टोटल का कितना पार्ट ना, अभी टाइप ऑफ फ्रैक्शन में और डिटेल चीजें सीख जाएंगे। ये तो मैंने मोर जनरल एग्जांपल, ये थोड़ा टफ हो गया होगा, ये बहुत आसान कि एक सेब को आपकी मम्मी ने आपके और आपके भाई को दिया तो वन बाई, आप भी जानते हैं, आप उसको बोलते हैं कि आधा आधा दे दो, बोलते हैं जो आधा बोलते हैं वही 1/2 है, किसका आधा, ठीक है ना? अब देखें सर, बेटा ये फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है? सेकंड जो होगा बेटा, दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड होगा दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया? जो आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था 1/2 क्या 2/1 हो सकता है, सब चीजें इसमें आ जाएंगी, सब चीजें। हाँ, इधर देखिए, ठीक है, अब एक फ्रैक्शन, एक प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर। अब फ्रैक्शन के पहले भी मैं आपको चीजें समझाऊंगा, फ्रैक्शन मतलब क्या होना चाहिए, a upon b डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो क्यों, अगर ऐसा तो होगा नहीं, आपके पास एप्पल है ही नहीं मम्मी के पास, और आप और आपका भाई बोला नहीं मम्मी हमें एप्पल चाहिए, एप्पल चाहिए, मिलेगा क्या, क्यों नहीं मिलेगा, है ही नहीं, तो यहाँ जीरो नहीं होगा, यहाँ क्या नहीं होगा, समझ आया क्यों नहीं हुआ जीरो? ऐसी ध्यान रखिएगा कि ये b does not equal to u, अगर ये जीरो होगा तो मतलब मैथमेटिक्स डिफाइन ही नहीं करेगा, ये अभी आपको पढ़ने नहीं, ये आपका सिलेबस ही, अब जब बड़ा हो जाएगा क्लास 11th 12th में जाएगा, 11th में तब पढ़ेगा, अप टू 10th तक नहीं पढ़ेगा इसको, ठीक है ना? जीरो होगा तब क्या होगा, वो भी होगा लेकिन आगे 11th में पढ़ेंगे, ठीक है? दिस इज अ प्रॉपर, दिस इज अ इम्प्रॉपर, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन की, क्या a upon b, ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड b डज नॉट इक्वल टू u, मतलब b डज नॉट इक्वल, इसका मतलब होता है डज नॉट, इसका मतलब होता है किसका, डज नॉट, हम आपको पूरा डज नॉट, ठीक है, डज नॉट मतलब बराबर नहीं है, मतलब ये बराबर होता है, ऐसा एरो कर दिया मतलब बराबर नहीं है, ठीक है, जैसे बी डज नॉट है। अब एक प्रॉपर, सेकंड इज इम्प्रॉपर, अब मैं एक एग्जांपल के बेसिस से समझाऊंगा तो आप चीजें बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है? तो मैं एप्पल की, एप्पल को ले रहा हूं, 1/2 लिया था आपने, दिस इज 1/2, ठीक है बेटा, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये यहां पे समझा रहा हूं, यहीं पे ये अपॉन बी, इसको बोलते हैं आप न्यूमिनेटर, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। बेटा अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा और हमेशा न्यूमिनेटर क्या होगा, छोटा, और डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा, मतलब ये दिस इज अ न्यूमिनेटर और दिस वन इज अ डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, समझ में आया, ये हमेशा क्या होगा, बड़ा, ठीक है? तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन बोल सकते हैं कि प्रॉपर, आप लिख भी सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल, क्या लिखेंगे आप दोबारा से लिखें, प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल, अ पार्ट ऑफ होल, प्रॉपर मैं लिख रहा हूं दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल, इसको दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल क्यों बोला, कोई बता सकता है मेरे को, दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल, जैसे ये एप्पल के दो भाग थे और एक पार्ट आपको मिला, एक पार्ट आपके भाई को मिला था ना, तो इसलिए बोला दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल, मतलब दो भाग थे, एक भाग आपको मिला,
तो दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। या आप ऐसे भी याद रखें कि ऑलवेज डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, ऑलवेज क्या बोल सकते हैं, न्यूमिनेटर इज लेस देन ले, ये अभी आपने नहीं पढ़ा होगा साइन, इसको मतलब ये बड़ा है, ये डिनोमिनेटर ऐसे है ठीक है, ये बड़ा है और ये क्या होगा, इसका मतलब है ये बड़ा है, क्या है बड़ा है ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा और ये क्या है ठीक है। इस साइन की बेटा आप आगे पढ़ेंगे नहीं बेटी, लेकिन मैंने लगा दिया कोई दिक्कत, आप सीख जाएंगे, ये मतलब बड़ा है ठीक है, मैंने हिंदी में इसी लेने का हाईलाइट कर दिया आपको ठीक है। दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल। अब सेकंड चेंज दिस इज इंप्रॉपर, इंप्रॉपर में सपोज मैं लिख दूं एक एग्जांपल 7/2, क्या एग्जांपल लिख दूं 7/2, इंप्रॉपर में जस्ट उल्टा, इसमें क्या होगा आपको दोनों की डेफिनेशन याद नहीं करना वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ना, इसकी कंडीशन याद रखना, जो ये नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। तो इसमें क्या होता था, न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, इसमें न्यूमिनेटर क्या होगा बड़ा, देखो न्यूमिनेटर इज 7 और डिनोमिनेटर कितना है 2, तो 7 बड़ा है और 2 क्या है छोटा है, और 2 छोटा है क्या मतलब डिनोमिनेटर, सो इट इज अ इम्प्रॉपर। अब क्या करेगा, इसको इम्प्रॉपर बोलेगा ठीक है, और जो थर्ड टाइप है दिस इज अ मिक्स्ड, मतलब दोनों को मिला दें, किस किस को मिला दें प्रॉपर, तो इसको बोल सकते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो मैं इसको आपको समझाता हूं, ये आपको लिख लेना है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो कैसे ये कॉम्बिनेशन होगा, इसको आप जल्द देखें ठीक है ना। अब मैं कोई एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, मैं इसको लिख लिया सपोज इसी नंबर को 1/5/2 लिख दिया एग्जांपल की, इस मिक्स्ड का एग्जांपल क्या लिखा है यहां पे, वन फाइव बाई ठीक है, वन थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा आप इसको, क्यों थोड़ी फीलिंग नहीं आ रही इसमें, अच्छी नहीं आ रही ना, अब थोड़ा सही लग रहा ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकता है हाँ टू सही है कोई दिक्कत नहीं, इसको और अच्छा नहीं लग रहा क्यों ठीक है। आप देखें इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर, इट इज अ होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 होल नंबर होता है नहीं, होता है अच्छा, होल नंबर एंड प्रॉपर, ये 1/2 प्रॉपर है देखो ये है और ये होल है हाँ है, तो ये क्या है, ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और इसको और सॉल्व करेगा आप 3/2, इसको सॉल्व करेगा कोई बच्चा कर सकता है 3 1/2, तो ये 3 का मल्टीपल इसमें होगा तो 3 × 2 + 1 यही होता है, तो इसको लिखा 7/2। अब जरा देखें ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इंप्रॉपर को किसमें कन्वर्ट कर सकता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, कैसे कैसे, जैसे होल पार्ट को अलग और फ्रैक्शन पार्ट को अलग ठीक है। इसका एक एग्जांपल क्या लिया था आपने 3 1/2, आप एग्जांपल जरूर लिख लेंगे और समझ लेंगे, और ये डेफिनेशन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट प्रॉपर फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल और मिक्स्ड फ्रैक्शन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है। कोई दिक्कत, ये कहानी आपको सिर्फ मैंने फ्रैक्शन के बारे में सिखाया। अब देखें ये तो आपको कहानी फ्रैक्शन की बता दी, अब आपने क्या पढ़ा था, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ ये देखें ठीक है। ये तो इंट्रोड्यूस कराया सर फ्रैक्शन से, जल्दी से
इसको रफ में करता हूँ और दो चार चीजें बताता हूँ बेटा। आपने प्लस माइनस और फ्रैक्शन नंबर को कैसे नंबर लाइन पे क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब आपने सीखा किस क्लास में सीखा? सिक्स क्लास में। कैसे फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब हम सेवेंथ क्लास में क्या सीखेंगे, कैसे इसको फ्रैक्शन को क्या करेंगे मल्टीपल करेगा डिवीजन। यही तो अगला टॉपिक था कि कैसे आप डिवीजन करेगा और कैसे मल्टीपल करेगा और कैसे डिवीजन करेगा। मल्टीपल किसका, फ्रैक्शन का फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन का होल से, और सेम केस डिवीजन में, ठीक है ना। तो इसके हेल्प से आप समझेंगे, ठीक है, कैसे आप डिवीजन करेंगे कैसे मल्टीपल करेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी मैं जो फिर तो सिक्स में पढ़ा था आपकी एक्सरसाइज में भी है, जस्ट रिवाइज करा रहा हूं कि कैसे प्लस और माइनस करेंगे, जस्ट रिवाइज। वैसे है तो एक किसका, सिक्स क्लास का, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में भी दो तीन क्वेश्चन है, इसलिए मैं भी आपको दो तीन एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ और आप भी ध्यान आ जाएगा आपने फिफ्थ और सिक्स में क्या पढ़ा। जल्दी से रिवाइज करें बेटा, इसका माइनस करना, इसको क्या करना माइनस। सबसे पहले आप क्या करता है, हाँ कुछ नहीं लिखा रहता उसको क्या मानता है, उसको क्या मानता है वन। तो आपने वन, अब क्या करेगा इन दोनों को एलसीएम देता है, एलसीएम देता है, और इसका एलसीएम कितना आएगा, यही है होगा, और आप इसका एलसीएम कितना होगा फाइव। अब जब फाइव होगा फिर इसको क्या करेगा, वन का डिवाइड फाइव में करेगा, तो ये कितना आएगा ए, और फाइव का किसमें मल्टीप्लाई कर देगा वन। अब क्या करेगा अगले स्टेप में बेटा, अगेन फाइव का डिवाइड फाइव में करेंगे वन टाइम्स, कितने टाइम्स वन टाइम, और थ्री का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, देन वन इंटू फाइव इज अ फाइव माइनस थ्री अपॉन फाइव, इसको आप क्या लिख सकते हैं टू बाई फाइव, लिख सकता है सर कि नहीं, ये आपका क्या बेटा आंसर, दिस इज द आंसर। समझ आया कैसे आपने इसको किया, सबसे पहले एलसीएम, देन इसका इसमें डिवाइड, जो जो आएगा डिवाइजर उसको आप इससे मल्टीपल करा देंगे, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर टू, जैसा क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे, क्वेश्चन थ्री प्लस टू अपॉन एट, थ्री प्लस टू अपॉन ये लिखना, इधर देखें बेटा थ्री प्लस टू अपॉन एट, सबसे पहले क्या करेगा, कुछ नहीं लिखा मतलब बन, बन तो मैं इसके नीचे बन लिख दिया। अब आप क्या करेगा एलसीएम लेगा, ये वन दिस इज एट एंड अगेन इज एट ना, और इसको वन इंटू एट, यही एलसीएम आया, दिस एट टू से, अरे कोई दिक्कत नहीं एट ही आएगा क्योंकि और कोई नंबर है ही नहीं, तो इसका एलसीएम कितना आएगा बेटा एट, तो वन के डिवाइड एट में एट, तो एट इंटू और इसको वन, तो टू इंटू वन, तो कितना हो जाएगा थ्री इंटू एट इज ट्वेंटी फोर एंड टू इंटू वन इज टू, और इसको ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी सिक्स बाई एट, ये आपका हो गया, इसमें आपने सब्ट्रैक्शन इसमें है। और थर्ड इज ये बेटा कौन सा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, कौन सा है मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखेंगे। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे, कन्वर्ट कर देते, तो कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करता था कि इसको क्या एट इंटू टू टू और प्लस वन अपॉन टू टू, और इसको क्या करता था टू इंटू सेवन प्लस वन अपॉन टू, ये करता था, इसको आप करेगा तो कितना एट कितना रहेगा सेवनटीन अपॉन सिक्सटीन प्लस वन अपॉन टू, इसको आप क्या रहे सेवनटीन बाई टू, और इसको आप क्या लिख सकते हैं फोर्टीन प्लस वन अपॉन टू, इसको फिफ्टीन बाई टू, समझ ये आया फिफ्टीन बाई टू और ये आया सेवनटीन बाई टू आ गया। अब आप इसको ऐड कर देगा ना, तो बहुत आसान, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, आप लोगों ने लिख भी लिया होगा या मैं इसके सॉल्यूशन को कर दे रहा हूँ। अब किसको ऐड करना बेटा, एट इसकी जगह क्या लिखा 17 अपॉन, इसकी जगह क्या लिखा 17 बाई टू, और बेटा इसकी जगह क्या लिखा 15 बाई टू। जब कभी दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर क्या होते हैं सेम, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, सीधा जो सेम है उसी को ले लिया करें, उसी को, और ना आपको सॉल्व ज्यादा कुछ करना, नीचे सेम नंबर ले लेंगे ऊपर डायरेक्ट ऐड कर देंगे, कुछ भी नहीं करना डायरेक्ट ऐड,
तो डायरेक्ट एड 17 प्लस 15 करते हैं ना डायरेक्ट एड, तो ये कितना हो जाएगा 32 अपॉन 2, इसको क्या ले सकते हैं 16 टाइम, दिस इज द 16 इज द आंसर खत्म। तो ये तो मैंने जस्ट आपकी एक्सरसाइज में था और मैंने पिछला क्लास भी रिवाइज किया कि कैसे आप प्लस माइनस करेंगे और कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करेंगे। एक और अभी आपने एबीसी का होगा लास्ट क्लास के मैं रिवाइज कर रहा हूं कि अगर जैसे आप नंबर सिस्टम में तो आसानी से कंपेरिजन कर, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये कितना मार्कर है और मैं बोलूं ये कितना है तीन, या मैं बोलूं ये तीन मार्कर है सिंगल रजिस्टर, किसका क्वांटिटी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, नंबर है थ्री है और ये वन है सर इसलिए ज्यादा है, या मैं ऐसे ले लूं ये दो मार्कर है सिंगल, कौन सा मार्कर ज्यादा है किसान, इसका क्वांटिटी कितना है, ये कितना है। बट अगर इसी को मैं फ्रैक्शन में आपसे कंपेयर कराऊं कि एक 1/2 एक 1/7 है तो आप कर पाएगा क्या, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जो बहुत अच्छा लड़का होगा वही बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बाकी अगर आप सब लड़का पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, इसका आप कैसे कंपेयर करें उसको आपको, अगर मैं आप बहुत भी पढ़ा मैं बोल दिया कि 7/8 और बोल दिया 8/9 विच वन इज ग्रेट, आप डायरेक्ट नहीं बता पाएगा क्या आपको, एक बार कोई भी बच्चा नहीं बता सकता है कि 7/8 और 8/9 में विच वन इज ग्रेटर, नहीं बता पाएगा डायरेक्ट। तो अब आपको क्या करना है, कंपेरिजन, ठीक है। तो मैं एक सिंपल कंपेरिजन से बताता हूं, सपोज मैंने ले लिया 2/3, सपोज मैंने एक नंबर ले लिया और अगला ले लिया 3/4, अगला ले लिया 3, आपसे पूछूं कि कौन सा बड़ा है, आप बता पाएगा क्या कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं, ठीक है बेटा, इसका नोटेशन लिखें, इसका मतलब होता है जो साइन है, इसका मतलब होता है ग्रेटर, क्या इसका मतलब होता है लेसर, ठीक है, ये ग्रेटर है लेसर, ठीक है। अब हम आपसे पूछें कि कौन बड़ा है, बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेगा, आप इसको दोनों नंबर को लिख लेगा। अब आप दोनों नंबर को जब कंपेयर इसको क्या करना है, कंपेयर या आप कंपेयर करना है, आपको ये बताना कौन बड़ा है कौन छोटा। अब आप दोनों के डिनोमिनेटर को क्या करेगा, सेम, डिनोमिनेटर को सेम कैसे करेगा, इसका अपोजिट से मल्टीपल करेगा, ये 3 है ये 4, तो इस वाले पूरे नंबर को 3 से मल्टीपल कर देगा और इस अगले वाले को किससे कर देगा, 4 से, इसको किससे कर देगा, 4 ऊपर और नीचे, और इसको किससे कर देगा बेटा, 3 से, इसको 3, ये जो इसको इससे कर देना मल्टीपल और इसको इससे पूरे को बेटा, अगर ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर आप मल्टीपल कर देगा तो क्या फ्रैक्शन चेंज होगा, नहीं होगा, अगर कोई फ्रैक्शन है ऊपर, क्योंकि ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, ये कैंसिल, तो फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा, ऐसा पता मैं क्यों किया, ऐसा देखो ये पता लगे, इसको 8 अपॉन क्या ले सकते हैं 12, 8 अपॉन, अगले को क्या ले सकते हैं 9 अपॉन 12, नीचे वाला सेम, सिर्फ किसको देखना है, ऊपर, जो ऊपर वाला बड़ा होगा वही, जो छोटा होगा वो, 8 और 9 में से कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, 9 ग्रेटर देन, ये ग्रेटर का साइन है, ये क्या है, ग्रेटर का साइन, 9 ग्रेटर देन 8, तो बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 9/12 ग्रेटर देन 8/12, यही करता था आप लोग ये सॉल्व कब, पहले स्टेप नंबर वन क्या करेगा, डिनोमिनेटर सेम करेगा, क्या करेगा, डिनोमिनेटर सेम करेगा, ठीक है, और फिर न्यूमिनेटर को देखेगा कि इसके बाद न्यूमिनेटर देखेगा क्या, न्यूमिनेटर देखेगा, ठीक है, क्या देखेगा, कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा होगा, समझ में आया, डिनोमिनेटर सेम करेगा, सेम क्या करेगा, अपोजिट से मल्टीप्लाई करके,
और जो ऊपर वाला बड़ा होगा वो बड़ा। ये मैं हिंदी में सीरियल में इंग्लिश में भी लिख सकता, ये हाईलाइट रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा कि सर ने ये हिंदी क्यों लिखा है। मैं मैथ इंग्लिश में पढ़ता हूँ सर हिंदी, इसीलिए आपके दिमाग में परमानेंट याद रहे। समझ आया? ठीक है, आप इसको अगर ये दो स्टेप स्टेप नंबर वन एंड स्टेप नंबर टू याद रखेगा तो कभी भी कंपेरिजन में दिक्कत नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन आपको उससे बताइए मेरे लिए, ठीक है ना, रिजर्व हमें इसको रफ करता है। अब मैं बोला 7/8 एंड 8/7, जल्दी से बोले आप। सबसे पहले क्या करेगा? डिनोमिनेटर को सेम 7, इसको किससे मल्टीपल, इसको इससे, यही करेगा। तो 7 × 7 8 × 7 और 8 × 8 और 7 × 7 ये कितना हो जाएगा, सॉरी 8 ये कितना 49 और ये 56 और ये कितना 64 है। ये दोनों सेम सेम, ऊपर वाला देखेगा ऊपर कौन सा बड़ा है, 64 ग्रेटर देन 49। सो इसलिए क्या बड़ा है, 64 अपॉन 56 ग्रेटर देन 49 अपॉन। समझ आया? कर लिया? बहुत अच्छे से समझ आया। आगे ये हो गई कहानी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अभी तो डिनोमिनेटर क्या हुआ था, केस वन, डिनोमिनेटर क्या हुआ था सेम, अब न्यूमिनेटर अगर सेम है तो कोई काम बनेगा क्या, कभी नहीं बनेगा। क्या करना है, पहला केस न्यूमिनेटर को, सॉरी डिनोमिनेटर को सेम बनाना है, फिर न्यूमिनेटर को देखा गया देन। अगर मैं आपसे दिस द क्वेश्चन नंबर 5, दिस द क्वेश्चन नंबर 6, अब मैं बोलेगा 7/8 एंड 9/8 व्हिच वन इज ग्रेटर, क्यों ये ग्रेटर है, क्योंकि सर आपने एक स्टेप तो पहले ही कर दिया, ये तो आपने सेम बना दिया, हमें ऊपर को देखना पड़ेगा कि सर 9 > 7 सो 9/8 > 7/8 कोई दिक्कत। ये कहानी जो मैं बताया ये अभी के लिए भी है और आपने इसको 5th and 6th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैं एक दो क्वेश्चन कराता है आपको, देन आप सब कुछ सीख जाएगा। बेटा मैंने आपको बहुत कुछ समझाया, एग्जाम्पल ढेर सारे आपको दे दिया और सारे से मैंने आंसर भी निकाले। अब मैं आपको क्या करेगा, एक्सरसाइज 2.1 कराएगा। क्या कराएगा? 2.1 आपकी, आप चाहें तो इस बुक को खोल के रखें, आपकी 7th class NCERT नहीं है तो मैं सब क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा, आपको किताब का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस देखेंगे सर मेरी तरह। सबसे पहला स्टेप इसको क्या करना है, माइनस, ऑलरेडी मैं कराया, क्या करेंगे एलसीएम में कुछ नहीं लिखा तो क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेगा एलसीएम, फिर इसके बाद क्या करेगा डिवाइड करेगा 5/10 तो 2 × 2 और ये 3 × 2 यही होगा, तो ये कितना 10 और ये कितना 3 और ये कितना 5, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 7/5, दिस इज द आंसर, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अगेन कुछ नहीं लिखा बेटा, मतलब 7/8 एलसीएम लेगा 8 आएगा, इसके बाद ये 4 × 8 हो जाएगा, पता है क्यों, क्योंकि 1 के डबल गेट में 8 टाइम्स 8 × 4, 8 के डबल गेट में 1 टाइम्स तो 7 × 1, 4 × 8 इज 32, 7 × 1 इज 7/8, 32 + 7 इज 39/8, दिस इज आंसर। एंड केस नंबर 3, अगेन इसका एलसीएम आप लेगा 7/5 का, क्या करेगा 7/5 का यही लेगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5 × 7 कितना आएगा 35, एलसीएम इज 35, देन 5 × 7 = 35 में कितने टाइम 7 times तो 3 × 7 7 × 35 5 times 2 × 5 इसको क्या लिखेगा 3 × 7 21, 5 × 2 10 अपॉन 35, 21 + 10 31 अपॉन 35, ये आपका आंसर, कोई दिक्कत। एंड लास्ट मतलब फोर्थ, अभी तो तीन और है, इसका एलसीएम पहला केस क्या एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 3 को जरूरत नहीं दो नंबर है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 11 × 15 कितना आ जाएगा 165 आप कर लेगा कोई दिक्कत नहीं 165, ठीक है। अब आप 11 के डिवाइड करेगा इसमें तो कितने टाइम 15 बार 15 times
ठीक है, और 15 के टाइम 8 इसमें जाएगा तो 11 होता है, कर दिया। देन इसको सॉल्व, 15 इंटू 9 कितना टाइम्स, 135। बहुत अच्छा लगता है ज्यादा लोग, 44 अपॉन 165। बेटा इसको माइनस करेगा, जल्दी माइनस भी कर दें आप, 135 माइनस 44 135 नहीं आ रहा, 91 यार, आई थिंक 91 91 अपॉन 165, ये आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आप ये चारों क्वेश्चन छापें और मैं अगले तीन और छपाता हूँ। इधर देखें बेटा, ऑन करो बेटा अगला क्वेश्चन। फिर तो बोल रहा है कि अब उसने अभी तक दो फ्रैक्शन देता था, अब कितने, तीन। कोई दिक्कत नहीं, अगले वाले में दो मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगले में दो मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब एक एक स्टेप उसने ज्यादा कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब एक स्टेप बढ़ा दिया। कैसे, इसको 3 को 2 में कन्वर्ट कर सकता है, पहले इन दो को ऐड कर देगा और फिर इसको ऐड कर देगा, और चाहे तो एक साथ कर दे, चाहे तो एक साथ, तो एक ही साथ करो। आप लोग छोटा बच्चा नहीं है, मतलब छोटा है, इसको कैसे 2 से, ये कितना है 2 टाइम्स, नहीं 5 होगा। बहुत अच्छा है, अब किससे, 5 से, यही होगा। और इसका एलसीएम कितना है, 2 × 5 इज एलसीएम दिया। प्लस माइनस में कई सारे टर्म है, आप डायरेक्ट कई 4 होते 5 होते 6 होते, कोई दिक्कत नहीं, तरीका वही, चाहे 2 नंबर के लिए, चाहे 2 होते, चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5, ठीक है। प्लस और माइनस होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, सपोज यहाँ माइनस लिखता तब भी तरीका यही होता, बस माइनस की जगह माइनस और प्लस की जगह अब 10 आ गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, 10 के डिवाइड 10 में 1 टाइम्स, तो 1 × 7 यही होगा, प्लस 5 के डिवाइड 2 में, तो 10 में तो 2 टाइम्स, तो 2 × 2 के डिवाइड 10 में 5 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 आप ऐड कर देगा, 1 × 7 7, 2 × 2 4, 3 × 5 15 अपॉन 10 आप ऐड कर लेगा, 7 × 4 11 11 एंड 15 इज 26 अपॉन 10, दिस आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अगला क्वेश्चन, पहला स्टेप क्या है, एलसीएम, देन आप एलसीएम लेने का जैसा 2 का करता था वैसे 3 के देन। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक स्टेप क्या बढ़ा दिया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है, किसमें, इम्प्रॉपर या प्रॉपर, जिसमें भी आपको कन्वर्ट, जनरली वो क्या आएगा, इम्प्रॉपर आएगा, ठीक है। तो क्या 3 × 2 6 यही करेगा, 6 + 2 यही करेगा, और इसको कन्वर्ट करेगा तो 3 × 2 + 1/2 यही होगा, ये कन्वर्ट होगा तो कितना हो जाएगा, 6 8/3, और ये कन्वर्ट होगा तो कितना, 7/2 यही होगा। अब आप बेसिकली किसका, आपको इसका करना है, 8/3 और 7/2 दोनों का एलसीएम ले लेगा, एलसीएम 3 × 2 एलसीएम देगा तो 2 टाइम्स, पहले छोटे का स्टार्ट करते ना, देन बड़े का करते, सिक्स ये वैल्यू बेटा इसकी थी और ये वैल्यू किसकी थी, इसकी, ठीक रहेगा, 6 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम, तो 2 × 8 2 का डिवाइड 6 में 3 टाइम, 3 × 7 तो 2 × 8 16, और बेटा 3 × 7 21 आप 21 और 16 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 37/6 यही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये अपन बस एक स्टेप आपने ये स्टेप कर दिया, और तो कुछ नहीं किया, नहीं किया, अच्छा ठीक है। एंड लास्ट भी सेम, बस प्लस की जगह क्या कर देगा, माइनस, पहला स्टेप
उसको इसमें कन्वर्ट जल्दी से करें आप, कितना 2 into 2 + 1 और इसको इसमें करेगा 3 into 8 + 5 तो 17y और 8 24 29 / 8 अब बस इसको क्या कर देगा लिख देगा 17/2 - 29/8 और अब क्या करेगा 2 और 8 का यहाँ साइड में 2 और 8 2 times 1 is 4 times the 1, 2 are 2 times यही ना तो 2 into 2 into 2 कितना आ जाएगा बेटा 8 ये आ गया तो अपने 8 2 के डिवाइड 8 में 4 times 7 into 4 8 के डिवाइड 8 में 1 times 1 into 29 यही होगा और अब इसको सॉल्व 17 into 4 60 1 into 29 20 अब आप माइनस कर देगा इसको माइनस करेगा तो कितना आएगा 39 अपॉन आएगा ये कोई दिक्कत और ये आपका हो गया ना बस बेटा तीन क्वेश्चन थे इसमें एक स्टेप उसने बढ़ा दिया इसमें एक स्टेप है और इसमें स्टेप मतलब बाकी सब आसान तो आज की क्लास को मैं यहीं ओवर करता है अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके आपके एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है 8 तो मैं 7 क्वेश्चन अगले क्लास में कराएगा ठीक है ओके